बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में 23 फरवरी को लाइनपास शंकर गार्डन गली नंबर 3 में स्थित शक्ति विद्या मंदिर हाई स्कूल में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी घटना में हुए शहीद जवानों की शहादत के लिए लाइनपास में स्कूली बच्चों ने एक रैली निकाली। वहीं इस रैली में शक्ति विद्या मंदिर स्कूल के करीब 500 बच्चों भाग लिया और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी घटना में हुई शहीद जवानों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें सैट कर शहीदों को याद किया और 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं इस रैली में बच्चों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की घटना को निंदनीय करार दिया और वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के लिए उन्हें कोई जवाब दिया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकी घटना से पूरे देश में भारी आक्रोश है। वहीं इस रैली में शक्ति विद्या मंदिर स्कूल के डायरेक्टर प्रवीण शर्मा, राजेश्वरी देवी, प्रमिला देवी, पूनम, सुमित्रा देवी, राजकुमारी देवी व बहादुरगढ़ ट्रैफिक पुलिस SHO सतीश कुमार, सत्य प्रकाश ट्रैफिक पुलिस कोऑर्डिनेटर चर्चे और सड़क सुरक्षा संगठन से रविंद्र सैनी, विनीत सैनी, सुधीर भारद्वाज, राजेश शर्मा, सतीश शर्मा, शिव कुमार गुप्ता आदि सभी ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर उनका कहना था कि स्कूल RSO जज्जर टीम का मेंबर भी हूँ। आज हमने अपने स्कूल की तरफ से पुलवामा में जो CRPF के जवान एक आत्मघाती हमले में शहीद हुए उनकी ओर श्रद्धांजलि देते हुए एक जुलूस निकाला, जिसमें बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अपना जो दुख वो प्रकट किया। और हम सरकार से एक यही प्रार्थना करते हैं कि जो शहीद हुए हैं, जो माएँ, जो बहनें जिनको ये लॉस हुआ है, और ये सिर्फ उनका लॉस नहीं पूरे देश का लॉस है, और ये क्षतिपूर्ति करना बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो हम सरकार से ये विनती करते हैं कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम ले और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं और आए दिन हो रहे हैं उनका बदला अवश्य लें। जो जिस तरीके से एक अत्याचार हमारे वीर महान क्रांतिकारी सैनिकों के ऊपर पुलवामा में किया है, जो कि साथ साथ सभी को पता है कि भाई यह इतनी घिनौनी हरकत पाकिस्तान ने की है, तो उसके शहीदों को, उन वीर शहीदों को, महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज एक श्रद्धांजलि यात्रा निकाल रहे हैं शक्ति विद्या मंदिर हाई स्कूल और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बहादुरगढ़ की तरफ से, जिसमें हमारे ट्रैफिक SHO सतीश कुमार जी भी पूरा हिस्सा ले रहे हैं, सत्य प्रकाश जी ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर भी हिस्सा ले रहे हैं और तमाम हमारे सड़क सुरक्षा संगठन के सदस्यगण, महिला RSO सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और जो है बहुत ही एक सभी को पता है कि आज पूरा देश गमगीन माहौल में है कि कहीं पर भी किसी भी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई खुशियाँ नहीं मनाई जा रही है। हर तरफ, चारों तरफ पूरे देश में सदमा लगा हुआ है कि भाई ऐसा एकदम से जैसे अनएक्सेप्टेबल जो हादसा हुआ तो उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए इन इस पुलवामा में जो शहीद हमारे जो अटैक किया है हमारे शहीदों, हमारे वीरों को शहीद किया गया, उसके लिए कड़ी से कड़ी जो है सत्य की जाए। ये जो घटना हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और लोगों में बड़ा जोश है, ये बहुत ही गलत हुआ है, इसके बदले के लिए बच्चों ने जो हिस्सा लिया है, जो आदमी हमारे साथ जो मारे गए हैं, इन बच्चों ने बड़ा उत्साह दिखाया। हम ये कहता हूँ कि इन्होंने जो 40 आदमी मारे हैं, हम उनका 400 आदमी मार के जब बदला लेंगे, हम 400 आदमी से नहीं बचेंगे।